हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए SNR की एक न्यू स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, जिसकी बेस पर आप अपने ट्रेड्स बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ विन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसकी बेस पर मार्केट से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। और मुझे भी ये बग मार्केट से बहुत टाइम से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ले रहा है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहां से आप उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वीडियो हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो बग है इसको हम एक स्पेसिफिक कौन से पेयर पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट पर देखिए, मेरा यहाँ पर USD/BDT का OTC चार्ट ओपन है। ये जो है एक क्योटेक्स ने न्यू पेयर जो है रिवील किया था कुछ टाइम पहले, इस पर ये बग वर्क करता है। ये जो है एक US डॉलर और BDT एक बांग्लादेशी टाका, दोनों करेंसी को पेयर करके ये एक करेंसी पेयर यहाँ पर रिवील किया है। तो इस पर हम यहाँ पर बग को यूज करेंगे और मार्केट से हम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पर टाइम, आपका जो चार्ट है यहाँ पर, आपने उसका टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर चेंज कर देना है 15 सेकंड्स पर। ये मेरा 15 सेकंड्स का ही चार्ट है। आपने भी अपने चार्ट को वो जिस भी मिनट पर, जिस भी सेकंड पर सेट हुआ हुआ है, आपने उसको चेंज कर देना है 15 सेकंड्स पर। 15 सेकंड्स पर चेंज करने के बाद आपने को माइंड में रखना है कि आपने इस पर जो ट्रेड्स लेनी है वो एक डिफॉल्ट टाइम पर लेनी है। यू डोंट हैव टू यूज यहाँ पर टाइमर, आपने यहाँ पर टाइम यूज करना है, एक डिफॉल्ट टाइम चलेगा, ठीक है, जो आपका 1 मिनट का टाइम होगा। और इसी के साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट आपने अपना सेट कर लेना है। यहाँ मैंने अपना $20 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेट किया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने इस टाइमर पर अपनी आई रखनी है, ठीक है, ये वाला जो आपका टाइमर है। अब इसकी बेस पर हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा टाइम फ्रेम जो है 15 सेकंड्स का है ना, तो हमारी जो हर एक कैंडल है वो एक 15 सेकंड कैंडल पर होगी। तो वीडियो में आज जो भी मैं आपको बताऊंगी बहुत ही क्लियर करके, बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि आपको हर एक चीज माइंड में क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट्स ना रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्रेड कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियरली आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियो के एंड तक आपको जो भी समझाऊं वो बहुत ही आपको इजी वर्ड्स में और डिटेल में समझाऊं। यहाँ पर हर एक कैंडल जो है वो एक 15 सेकंड्स कैंडल है, ठीक है। आपका टाइम फ्रेम अगर 5 सेकंड्स है, अगर 1 मिनट है, आपका 10 सेकंड्स का है, ये आपका वो 1 आवर का है, डजंट मैटर। आपकी जो कैंडल होगी वो उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी एक कैंडल बनाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 15 सेकंड्स का चार्ट है, तो यहाँ पर हर एक कैंडल जो बन रही है वो एक 15 सेकंड्स की कैंडल बन रही है। तो जैसे ही आपका एक न्यू मिनट स्टार्ट होगा, उस न्यू मिनट का जो फर्स्ट 15 सेकंड्स की कैंडल होगी, उसकी बेस पर आपकी ट्रेड डिसाइड होगी कि वो किस साइड होगी। अब देखिए, यहाँ पर न्यू मिनट स्टार्ट हुआ, अब ये वाली जो कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल डिसाइड करेगी कि आपका ट्रेड किस वे में आपको लेना है। ये ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो आपका ट्रेड यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लेस होगा, और अगर आपकी रेड कैंडल बन रही है तो आपका जो ट्रेड होगा वो यहाँ पर अप साइड के लिए प्लेस होगा, ठीक है। अब देखिए, इस पर तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पर जा चुका है। जैसे ही एक न्यू मिनट स्टार्ट होगा, हाँ, उसकी बेस पर यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में जो भी ट्रेड लूंगी एक लाइव ट्रेड लेकर दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि आपने किस तरह से इस पर ट्रेड लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये मिनट जो है वो एंड होने वाला है, एक न्यू मिनट स्टार्ट होगा। अब देखिए, ये यहाँ पर टाइम चल रहा है 4 सेकंड 3 सेकंड्स, यहाँ पर हम लेंगे अपनी डाउन साइड के लिए ट्रेड। अच्छा, ये लॉस हो सकता है, ये मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से मेरी ट्रेड यहाँ पर लेट प्लेस हुई है, तो ये मार्केट से मुझे लॉस भी दे सकती है। बट लेट्स सी कि यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई होप सो कि ये डाउन साइड की कैंडल बनती रहेगी और मेरी जो यहाँ पर दोनों ट्रेड्स हैं अराउंड $40 की
वो यहाँ पर हो जाएंगी फिन एंड यस फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट और मेरी ट्रेन यहाँ पर हो गई फिन। दोनों ट्रेड्स मेरी बहुत अच्छे से बन हुई है। अब इसी के एक न्यू मिनट स्टार्ट होने पर एक और ट्रेड लेंगे। देखें ये दोनों ट्रेड कितनी अच्छे से यहाँ पर हो गई फिन। अब एक न्यू मिनट स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर अपनी न्यू ट्रेड लेंगे। आपने भी इसी तरह से लेनी है और अगर आपको एक सेकंड भी लेट हो जाए आपकी ट्रेड लेने में तो आपने अपनी ट्रेड नहीं लेनी है। बिल्कुल आपने सेफ्टी मार्जिन के साथ अपनी ट्रेड प्लेस करनी है ताकि कोई चांस ही ना रहे आपके पास आपकी ट्रेड लॉस होने का। वेट कीजिए, फिर से वेट कीजिए, आपको जितना वेट करना पड़े मार्केट से कीजिए, लेकिन आप एग्जैक्ट सेकेंड्स के ऊपर अपनी ट्रेड प्लेस कीजिए वरना आपको लॉस जरूर होगा। अब देखिए एक न्यू मिनट आ रहा है। अब इसकी जो बाद आप देखिए ये वाली जो ये कैंडल इसके बाद आ रही है इसकी बेस पर मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड लूंगी। हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो भी आएगी डाउन साइड के लिए। तीन ट्रेड मैंने अपनी $20 की यहाँ पर प्लेस की है तो लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या आता है। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ट्रेड हमारी लॉस भी हो सकती है क्योंकि आप जानते होंगे कि लाइफ में किसी चीज की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। 70-80% चांसेस होते हैं हर चीज के। आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में देख लें, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लें, आपके जो भी चीज की जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो कभी भी 100% आपको मार्केट से नहीं मिलती है। ये तीनों ट्रेड्स भी विन हो गए यहाँ पर और एक अच्छा प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है 500 से हमने स्टार्ट किया था, $82 के प्रॉफिट भी यहाँ पर हम अभी है। तो इसी तरह से आपने इसको यूज करना है और आपने इसकी बेस पर अपनी ट्रेड्स लेनी है। अच्छा अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड एक और मिलती है तो मैं यहाँ पर एक और आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाती हूँ और आज का जो प्रॉफिट है वो हम अराउंड $100 पर आकर स्टॉप करेंगे। ठीक है देखिए ये कैंडल रेड बन रही है तो यहाँ पर मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करूँगी। अच्छा अगर ये मेरी यहाँ पर लॉस होती है मैं अपना जो ट्रेडिंग अमाउंट है $20 है यहाँ पर तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी $50 ताकि जो भी लॉस होगा मेरा यहाँ पर। अब देखिए फ्यू मिनट्स कुछ देखें कुछ सेकेंड्स और मिनट्स की बेस पर यहाँ पर मेरा तीनों लॉस कैंडल ग्रीन बनी है ऊपर गई है लेकिन ये लॉस हो गई। तो अब मैं अपना जो अमाउंट है उसको कर दूंगी यहाँ पर डबल, मैं कर देती हूँ इसको $50। ठीक है मैंने यहाँ पे $60 का लॉस हुआ है मैं यहाँ पर इसको $50 की और अपनी यहाँ पर करूंगी दो ट्रेड प्लेस। ठीक है जो मेरे यहाँ पर लॉस को कर देंगी कवर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू मिनट का वेट करूंगी, जैसे न्यू मिनट स्टार्ट होगा यहाँ पर मैं अपनी $50 की दो ट्रेड प्लेस करूंगी जो मेरे यहाँ पर टारगेट को भी अचीव करा देगी मुझे और यहाँ पर जो लॉस है उसको भी कवर कर देगी। हाँ मैंने अपनी दो $50 की ट्रेड प्लेस कर दी है एंड लेट्स सी इसके रिजल्ट्स। देखें यहाँ पर टारगेट भी अचीव हो गया, हमने $500 से अपना स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमारा $100 का जो टारगेट था आज का वो भी कंप्लीट हो गया, जो लॉस हुआ था मार्केट से वो भी कवर हो गया। ये बग इतना अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है आपने इसको जरूर यूज करना है और सबसे मेन चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि देखें जब भी आप कोई भी आप चाहे मेरा वीडियो देखें आप मेरे चैनल से कोई भी वीडियो देखते हैं आप किसी भी चैनल से कोई भी वीडियो देखकर अगर आप किसी स्ट्रेटेजी को किसी पैटर्न को किसी बग को टेस्ट करते हैं अपने लाइव अकाउंट पर तो उसको डायरेक्ट बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक है आप जब भी कोई चीज़ ऐसी देखें किसी वीडियो से कोई ट्यूटोरियल आप कुछ भी सीखते हैं तो उसको सबसे पहले आपने अपने डेमो अकाउंट पर टेस्ट करना है और जैसे ही आपको लगे कि यस यू आर डूइंग ग्रेट इसके ऊपर ये आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रही है आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं सीख चुके हैं देन यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटेजी और पैटर्न और जो भी आप बग या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको अपने लाइव अकाउंट पे करना है। और जब भी आप ट्रेड अपना स्टार्ट करें आप मार्केट में अपने चार्ट को ओपन करें तो आपने अपने माइंडसेट को सेट करना है कि आपने कितने ट्रेड्स लेने हैं आपने जो जितने भी एक अपना टारगेट नंबर रखना है आपने उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड्स अमाउंट सेट कर लेना है। ठीक है कि आज मैंने इतने लाइक
10 ट्रेड्स लेने हैं या 5 ट्रेड्स लेने हैं, इतने लेने हैं, फिर इसके बाद अगर आपको चार्ट के ऊपर ट्रेड आपको श्योर श्योर ट्रेड्स भी अगर दिखते हैं तो आपने उसकी बेस पर ट्रेड नहीं लेनी, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है अपने मार्केट में आकर, ठीक है। तो आप अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैच्योरिटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आपने एक टारगेट सेट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करनी है, आपने सबसे पहले उसको डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अंदर उस स्ट्रेटेजी को लेकर परफेक्शन आ जाएगी। एंड सेकेंडली आपने मल्टीपल ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, जस्ट आपने एक ट्रेड प्लेस करनी है एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम में आपने एक ट्रेड प्लेस करनी है, जैसे उसका रिजल्ट है देन आपने नेक्स्ट ट्रेड को प्लेस करना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बहुत अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेड्स नहीं ले पा रहे हैं, मार्केट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आपके अकाउंट्स बहुत लॉस में जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। आपने क्या करना है, आपने मेरे VIP टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे डेली के बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे, आपने उन्हें वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है अपने लाइव अकाउंट पर और आपने अपने लॉस वाले अकाउंट को बना देना है एक प्रॉफिटेबल अकाउंट। तो आप VIP टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ साथ वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी, मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू स्ट्रेटेजी न्यू बग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।